जी भाई, क्या हाल है? सब फर्स्ट क्लास। अपना सुनाओ। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार गुप्ता। कहाँ बैठे हैं आप? बस मुंबई की महानगरी में इच्छाएं अनंत लेकर अपनी चेष्टा और प्रकाष्ठा का कल्पना कर रहे हैं। कितना साल पहले बॉम्बे आए आप? मैं आया 2009 में, और 2009 में आया मतलब मैं तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स साइंस एम ए किया, लेकिन वहाँ उच्च जात की वजह से, नौकरी ना मिलने की वजह से, मतलब कुछ मेरी भी कमी, कुछ मतलब आर्थिक स्थिति मतलब देखते हुए धीरे धीरे इधर उधर घूम फिर के धीरे धीरे मेरे चाचा के लड़के विनोद या मानिकार वर्मा रहते थे, दो लोग रहते थे, तो उन्हीं के मतलब देर से आया मुंबई। मुंबई में फिर धीरे धीरे लाइट मैन का काम, अटेंडेंट का काम, धीरे धीरे मतलब स्टेप वाइज स्टेप धीरे धीरे चढ़ता गया। धीरे धीरे आज ईश्वर की दया से खान पान रहना, एक छोटा सा, ज्यादा नहीं लेकिन एक छोटा सा रूम भी हो गया, फिर दो बच्चे, बीबी, 4-5 साल से मतलब रह रहे हैं। करीब 2013 में शादी हुई जून में, फिर एक साल बाद बीबी भी आ गई, दो बच्चे हो गए, पलक इन रौनक। तो आपके गांव में कौन कौन रहता है? गांव में मेरे माता पिता, मेरे भाई, मेरी भाभी, तीन बच्चे, वो सब अपना खेती, किराने की दुकान, रेडीमेड का दुकान, आटा चक्की, राइस मिल, तेल मशीन, सब मतलब सही, अच्छा सही है, मेहनत कर रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं। अगर दिए नहीं तो किसी के लिए भी नहीं। और मुंबई में कितना साल हो गया आपको रहते हैं? हमें हो गया करीब 10 साल बीत गए। तो आपके परिवार, बाल बच्चे एकदम मस्त हैं? हाँ सब मतलब लोगों की इच्छाएं तो अनंत होती हैं, लेकिन इच्छा पूर्ति मतलब जिस लायक हूँ मैं, उतना पगार मिल रहा है तो उतना मैं खुश हूँ। मतलब इच्छाएं अनंत होती हैं, स्टेप वाइज स्टेप मतलब चढ़ने की च्वाइस सबकी होती है, लेकिन धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। पहले आए थे 500 पाते थे, फिर 700 पाते थे, 1000 पाते थे, 1200 पाने लगे, 1500 पाने लगे, आज ईश्वर के देश 2000 मिला, धीरे धीरे और मिलेगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। आदमी का कर्म है कि छोटा मन मत रखो, छोटी सोच मत रखो, और स्टेप वाइज स्टेप ईमानदारी से चलते रहो तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों हो जाएगा, कुछ हो जाएगा एकदम सेवा। तो फ्यूचर में क्या प्लान है आपका? फ्यूचर में मेरा तो फर्स्ट प्लान था कि घर पे गुप्ता मार के मस्त जैसा बना है वो तोड़ ताड़ के फिर से ऊंचा अच्छा सा घर बने, अच्छा और दुकान हो जाए, फिर मतलब धीरे धीरे मैं भी सेटल हो जाऊं 4-6-10 साल बाद। जैसे लाइफ तो लॉन्ग है, और लाइफ यहाँ क्या है, उम्र ढलने के बाद कुछ होने वाला तो मुंबई में है नहीं, ऐसा मतलब मैं मुझे लग रहा है। और वहाँ सेटल हो जाएंगे तो खेती बाड़ी, भाई, भौजाई, माता पिता, सबका साथ, सबका विकास धीरे धीरे, और यहाँ से कुछ सहायता भी मिल जाएगा, 10-20 लाख रुपए जो भी है कमा के धीरे धीरे। तो गांव में क्या करना चाहते हो आप? गांव में जैसा सोने की दुकान, अभी रेडीमेड कराना है, सोने की दुकान क्या होती है, थोड़ा प्रोफेशनल होता है, 10 लाख लगा दो, धीरे धीरे स्टेप वाइज करते रहो, फिर उसको सुबह मतलब 9 बजे चालू करो, 4-5 बजे बंद कर दो, तो अपना दोनों काम, आटा चक्की, तेल मशीन या किराना दुकान भी चल सकता है, सुबह के मॉर्निंग टाइम जो लोग वॉकिंग करते हैं उस टाइम में खेती का भी काम हो सकता है। तो ऐसा आपने डिसीजन ले लिया कि बॉम्बे में सब लोग रहना चाहते हैं, आप बोल रहे हो? नहीं, मैं तो स्वयं नहीं रहना चाहता, 4-6-10 साल बाद थोड़ा जाता है, स्थिति घर की भी मजबूत हो जाए, मेरी भी मजबूत हो जाए, मैं तो स्वयं। तो अभी आपकी स्थिति मजबूत नहीं है इसका मतलब? नहीं, अभी नहीं है, मतलब हम किसी का अगर लिए नहीं है तो दिए नहीं है तो लिए भी नहीं है, मतलब सही है जो भी है, मतलब सही है। अब छोटे छोटे जो काम थे मेरे धीरे धीरे खत्म हो गए, घर भी बन गया, माता पिता गए, जगन्नाथ जी जाना था, जा गए, बस उन्हें भागवत भागवत सुना के, फिर 4-6 साल मेरी भाई की बेटियां भी हैं, उनकी भी शादी नहीं करना, अभी 10 साल की 12 साल, तो 6-7 साल जो मुझे मतलब बीच में टाइमिंग मिल रहा है, वो टाइमिंग में थोड़ा सुधार करना रहेगा तो थोड़ा मजबूती मिलेगी ना, अभी घर पे भी थोड़ा खर्चा कम हो जाएगा, थोड़ा मेरा भी अभी इधर बचेगा। तो फिलहाल गांव में रहने का प्लान है? हाँ, मतलब अभी 10 साल बाद, ऐसा नहीं कि आज ही, मतलब
थोड़ा मतलब डेवलप हो जाए मेरा, फिर मतलब नेक्स्ट के लिए सोच के रखे हैं, क्योंकि अगर फ्यूचर सुनिश्चित करना है तो प्लानिंग दो साल चार साल छः साल से पहले से बनाओ, और थोड़े थोड़े जैसा एक एक रुपया 10-10 रुपये 5-5 रुपये जमा करना चालू कर दो, क्योंकि फ्यूचर जो है किसी का सुनिश्चित नहीं होता है। क्योंकि किसी ने कहा है कि कर्म भूमि पे फल के लिए श्रम सभी को करना पड़ता है, और ईश्वर सिर्फ लकीरें खींचती हैं लेकिन रंग हमी को भरना पड़ता है। ईश्वर ने सिर्फ नक्शा बना देता है, लेकिन रंग लाल हरा पीला कहाँ कैसा क्या सटल करना है वो ईश्वर रास्ता दिखा देता है, और रिक्त स्थानों की पूर्ति तो आदमी को ही करना पड़ता है। अच्छा, आपके गांव का नाम क्या है? ग्राम धर्मनगर, थाना परशुरामपुर, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश, इन इंडिया। आपको कुछ आइडिया है आपके गांव का नाम किस तरीके से पड़ा? मतलब ऐसा लोगों का कहना है कि यहाँ मतलब धर्मनगर पड़ा, क्योंकि यहाँ के लोग थोड़ा मतलब पूजा पद्धति हेन तेन में थोड़ा ज़्यादा मतलब रखते थे, लोगों का मतलब चॉइस ज़्यादा थोड़ा था, इसीलिए जो है घंटी बजा रहा पूजा पाठ, इसीलिए ग्राम धर्मनगर का नाम पड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा। एक पुजारी जी रहते थे, मतलब नाम तो इतना याद नहीं है, उन्होंने मंदिर भी बनवाया करीब 20 साल पहले तो चालू रहते थे, कह रहा तो बंद है, तालाब है, तालाब के सामने जस्ट मंदिर है, काली माँ का मंदिर बना हुआ है धर्मनगर में, जो मतलब यहाँ नेपाल से सीधा अयोध्या धाम को जोड़ती है, मखौड़ा धाम को जोड़ती है, जहाँ राजा दशरथ ने यज्ञ किया था। हम लोग तो गर्व करते हैं कि ऐसे ग्राम धर्मनगर ऐसा जगह मतलब जन्म हुआ, ईश्वर से तो हम लोग मनाते हैं कि दोबारा फिर जन्म हो, वही परिवार हो, वही गांव हो, वही पड़ोसी हो, वही अच्छे लोग हों, क्योंकि हम लोग अवधपुरी के निवासी हैं, भगवान राम के क्षेत्र के माने जाते हैं, जहाँ राजा दशरथ ने यज्ञ किया, मठ धाम वो बहुत फेमस है, फिर अपना और अपने यहाँ तो सबसे अच्छा है। मैंने भारत का करीब 200 राज घूमा, सब जगह घूम के आने के बाद ऐसा लगता है कि धर्मनगर अच्छा है, न सूखा का टेंशन रहता है, न बाढ़ का टेंशन रहता है, वहाँ अच्छे लोग रहते हैं, अच्छे संस्कार, धीरे धीरे नई जनरेशन आया उनका मतलब पनप रहा है, और लोगों का सोच भी है, मेरा भी सोच है, लोगों का सोच है धीरे धीरे डेवलप हो, क्योंकि जो नए बच्चे निकल रहे हैं वो कमा रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, धीरे धीरे डेवलप हो। आज के 20 साल पहले छपरा खपड़ा हेन तेन जो भी था, लेकिन सबके घर का, चाहे मेरे गांव के वर्मा लोग हो या गुप्ता लोग हो या हरजन लोग की थोड़ा स्थिति कम है, लेकिन उनकी वजह से, क्योंकि उन सबके पास करोड़ों की जमीन थी, धीरे धीरे बेच के खाए पिए उड़ाए, तो उनका कर्म उन्हीं को ले डुबोया। अच्छा, तो गांव के लिए कुछ अच्छा मैसेज दो ना तुम्हारा मैसेज। एक्चुअली क्या है, अभी जो बुजुर्ग थे तो खेती के ऊपर ना आधारित रहते थे, जो नौजवान है वो अगर चाहे शहर को पलायन करें या मतलब मजबूती से पढ़े लिखें, ताकि उन्हें आत्मविश्वास हो कि मैं नौकरी पा जाऊंगा, तो फिर पढ़े, नहीं तो 10-12 पढ़ के या हाई स्कूल इंटर जो भी स्नातक प्रश्नातक करके धीरे धीरे शहर में या कोई छोटे छोटे रोजगार, जैसे सरफ बनाना है, अगरबत्ती बनाना है, मोमबत्ती बनाना है, कुटीर उद्योग को अगर घर पर रहकर करना चाहते हैं तो कुटीर उद्योग करके बढ़ावा सकते हैं, या कंप्यूटर क्षेत्र में जाएं, लोगों को पढ़ाएं लिखाएं, छोटे छोटे स्कूल खोलें, जैसा पानी का बिजनेस है, चाहे मतलब जो छोटे उद्योग हैं, 4-6 लोगों को नौकरी भी मिल जाती है, गांव में एक बढ़ावा मिलता है कि चलो इनके हैं ये, मैं ये खोला, वो खोले, तो इससे धीरे धीरे डेवलप होता है, मार्केट साइड वो करता है, और उसका धन का भी वर्जन होता है, तो धन आता है तो लोग घर बनाएंगे, दुकान खोलेंगे, अच्छा शादी विवाह, मतलब अच्छा संस्कार, धीरे धीरे जनरेशन ऑटोमेटिक जो है बढ़ते चले जाएंगे इससे। तो आपका बोलने का मतलब थोड़ा सा ना डिजिटल काम करना चाहिए, थोड़ा डिजिटल में जाना पड़ेगा, जिससे लोग पहले कीपैड वाला मोबाइल लगते थे, अभी 18,000-20,000, डिजिटल क्या है, सरल और सुगम होता है लोगों के लिए, कुछ जानकारी के लिए या सीखने के लिए भी, तो हर जगह चाहे डिजिटल से घर बनवाओ तो भी नक्शा डिजिटल बनवाना पड़ता है, मटेरियल हर एक चीज़, मतलब जितना जानकारी कुछ भी लेना है आपको, खेती में कोई काम करना है या पानी का काम करना, जो भी सब डिजिटल, जो जानकारी नहीं है फट से नेट पे सर्च करो, यूट्यूब पे देख लो कैसा कैसा कहाँ क्या हो रहा है, कैसा लोग का जनरेशन
क्रिएट कर रहे हैं लोग आने वाली मतलब पीढ़ी, और इसमें सबका हाथ होना चाहिए, चाहे घर के बच्चे हो, चाहे घर के बुजुर्ग हो, चाहे माता हो या पिता हो, भाई बहन, नौजवान कोई, चाहे लड़की हो या लड़कियां हो, मतलब पूरे परिवार का एक समन्वय रहना चाहिए। पहले कैसा होता था कि जैसा 50,000 रुपया लोग साल भर में मेहनत करके कमाते थे, तो बैठ के लोग करते बोलते थे कि 50,000 रुपया आ गया, अभी क्या करना है, तो लोग बोलते थे खेत खरीद लें या घर बनवा लें या मतलब जो भी। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी जनरेशन थोड़ा मतलब मिसफ्यूज हो गई है कि जैसा अभी कोई अगर पैसा ज़्यादा कमाने लगा तो सोचता है चलो फटाफट बांट के हम लोग अलग हो जाए, नहीं तो हमें अपने भाई को या जिसको मतलब देना होगा। लेकिन ये बहन लोगों को निकाल देना चाहिए, ये बहन लोगों को निकाल देना चाहिए। क्योंकि मैं एक जगह गया था, एक ठेले पर एक आदमी अंगूर बेच रहा था, वही अंगूर था, वो गुच्छा में था। मैंने पूछा भाई किस रेट से है, उन्होंने बोला कि ये 20 रुपये पाव है, और वही अंगूर जो टूटा हुआ दाना था उसने बोला 10 रुपये पाव। मैंने बोला यार इससे अंगूर अच्छा, उसने बोला भैया अंगूर सेम है, मीठा वही है, लेकिन एक गुच्छे में एक कृत मतलब सब मिले जुले हैं, इसीलिए इसका वैल्यू है, और ये टूट के बिखर चुके हैं इसीलिए इसका वैल्यू खत्म हो गया। तो मेरा तो फर्स्ट उद्देश्य होता है कि परिवार संगठित रहे, संगठित होकर जो मेहनत करेंगे, चाहे माता हो, पिता हो, भाई भौजाई, भाई बहन जो भी है, सिर्फ एकत्रित होकर कोई काम करेंगे तो सुनिश्चित है कि सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। और धर्मनगर नहीं, धर्मनगर और हाई प्रोफाइल, आज के डेट में जाओ धर्मनगर देखोगे, आज के 20 साल पहले का कपड़ा चपड़ा देखो, धीरे धीरे जनरेशन, घर द्वार, सोलर लाइट, फैन, टिल्लू पंप, लेटरिन, बाथरूम, सबके घर घर में एकदम बन गए, 4-6 अपने यहाँ। पहले मेरी दुकान एक चलती थी, अभी वर्मा जी हैं उनके यहाँ पानी का हो गया, सीख सीमेंट का वर्मा जी का हो गया, सेसराम डॉक्टर हैं, दवा की दुकान हो गई, धीरे धीरे ऐसा मतलब डेवलप हुआ धर्मनगर आज के 20 साल आवाज के उम्र बहुत करीब 4 गुना मेरे हिसाब से डेवलप हुआ। और जो नए जनरेशन के लोग आए उनका भी जो है थोड़ा मनोबल बढ़ा, बाहर निकले 10 रुपये 20 रुपये कमाए, उन्हें आत्मविश्वास हुआ कि मैंने 20 रुपये अपने बल पे कमाया, ले गए माता को दिए, पिता को दिए, खेती में लगाए या घर में लगाए, वो चीज़ आज दिख रहे हैं, उसमें कोई मतलब इग्नोर नहीं कर सकता ना इनकार कर सकता, चाहे मैं हूँ चाहे मेरे गांव के करीब 20 नौजवान मुंबई में ऑलरेडी इस वक्त रह रहे हैं, और सब मेहनत से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सब खुश हैं सर। तो मतलब आपकी इच्छा है कि ईमानदारी से कमाओ, हाँ, और एक साथ में मिलजुल के रहो। हाँ, कोई भी जैसा अभी अपने गांव के हैं, कोई किसी की बहन की शादी पड़ गई है, भाई 20,000 रुपये अगर सब दे देंगे तो उसे बैंक से लोन नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन ईमानदारी इसमें चाहिए कि धीरे धीरे उसका पेड कर दे, घर बनवाना है, अगर ईमानदारी रहेगी तो पूरा, अगर सर्कल जैसा 20 लोग रह रहे हैं, अगर 5,000 रुपये दे दिया तो 1,00,000 रुपये हो जाएगा, 1,00,000 रुपये में कोई घर बनवा सकता है। लेकिन ईमानदारी से उसका पैसा अगर पेड करने, तो अंगूर के गुच्छे की नुमा अगर कोई रहेंगे तो सबका साथ होगा और सबका विकास होगा, उसमें कोई मतलब वो नहीं कर सकता है कि, लेकिन ईमानदारी फर्स्ट एकदम ईमानदारी होनी चाहिए इसमें। आप उनको कुछ मैसेज दो, एक दूसरे की तरक्की से जलते हैं। तरक्की से मेन उसमें क्या होता है, जो पुराने जनरेशन के थे उनकी सोच बहुत लिमिट थी, क्योंकि वो भी दिन भर मतलब काम करते थे और शाम को भरपेट खाना पाते नहीं थे, क्योंकि और अभी क्या है, अगर अच्छा से अगर एक दिन लोग आज गांव में भी एक दिन अगर मेहनत से कर लें तो 300 रुपये मजदूरी छोटे कास्टों को मिलती है, और अगर बैठ के खाएंगे तो एक हफ्ता 300 रुपये में दाल चावल रोटी सब्जी खा सकते हैं आज भी। लेकिन जो थोड़ा सा कास्ट मतलब ऊपर है उनका क्या है, अगर गुप्ता जी बढ़ रहे हैं, वर्मा जी बढ़ रहे हैं, तो मतलब अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं उनका टाइम खींचने के चक्कर में, इसीलिए जो है विकास लेट होगा। लेकिन जो नई जनरेशन थी उससे भी धीरे धीरे निकले, जो नई जनरेशन है उससे धीरे धीरे लोग निकले। पहले के लोग कुछ जानते थे कि ये गलत है, लेकिन उन्हें हम उन्हें अपने आप में मार दी, और उनकी हम की वजह से धर्मनगर करीब 20 साल ऐसा रुका रहा। चाहे गुप्ता लोग हों या वर्मा लोग हों या हरजन लोग हों, जो भी मतलब हम की वजह से कि मैं हूँ, हम लोगों के सिखावा में लोग आके अपने आप को स्वयं नष्ट कर दिए। लेकिन गुस्सा जो है आदमी को ही खा जाता है, दूसरे को नहीं खा पाता है, जहाँ तक मेरा मानना है। और कुछ कहना चाहते हो आप धर्मनगर के पब्लिक से? मैं तो यही नौजवानों को सबसे ज़्यादा, क्योंकि बूढ़ बुजुर्ग जो भेद थे
चाहे मेरे गांव के जितने भी माता पिता हैं, जो भी दादा दादी जो भी हैं, तो उनका मैसेज देता हूँ, जो भी किए बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छा संस्कार दिए भी अपने बच्चों को, क्योंकि उनके बच्चे आज घर से निकल के सब, चाहे गुप्ता लोग हों या वर्मा लोग हों, जो भी बहुत मेहनत से कमाए और अपना नाम यश कीर्ति घर से लेकर बाहर तक बुनाए, चाहे मुंबई हो, चाहे कोई दिल्ली रहता हो, या गांव में भी जो जाके मतलब लगाए, घर द्वार बनाए। अभी मेरे धर्मनगर में दो दो तीन तीन मंजिला घर लोगों के पास बन रहे हैं, कंप्यूटर के दुकान खोल रहे हैं, पानी के दुकान खोल रहे हैं, डॉक्टरी खोल रही है, और तमाम धीरे धीरे एक दो प्लान लोग और सोच सोच के कर रहे हैं। खुल जाए तो गुप्ता मार्केट हो जाएगा, वर्मा मार्केट हो जाएगा, अच्छा अच्छा पूरा डेवलप होगा, पूरे धर्मनगर का विकास होगा। तो उससे क्या होना होगा, जो नौजवान रहते हैं एक दूसरे का देखते हैं तो उत्साहित होते हैं, कम से कम वहीं पे रोजगार मिलेगा, है ना, रोजगार मिलेगा लोगों को, कुटीर दो चार लोग को और दे सकते हैं उसमें, करेक्ट करेक्ट, उसमें दे सकते हैं उसमें रोजगार। जैसा मेरे यहाँ वर्मा जी हैं, रोन नारायण वर्मा जी, उन्होंने पानी की फैक्ट्री लगाई, दो दो गाड़ी चल रहे हैं, दो लोगों को रोजगार दिया, दो लोग पानी भरे, चार पाँच लोगों को रोजगार मिला। ऐसे ऐसे जब कुटीर उद्योग की बढ़ावा होगा तो उससे लोगों को रोजगार मिलता है, करेक्ट करेक्ट, घर पे बैठे पे। और अगर खेती तो एक साइड बिजनेस हो गया, खेती में एक्चुअली क्या है, अगर 100 रुपए कमाना है तो 75 रुपया लगाना है, साल भर बैठ करना, चाहे गन्ना है, आलू है, धान है, गेहूं है, बस अच्छा है ईश्वर की जैसे की पैदाइश अपने यहाँ थोड़ा अच्छा होता है, और सब जगह की वजह से जो पहाड़ी है, अच्छा सबकी वजह से मतलब अच्छा, अच्छे लोग भी अपने धर्मनगर में है, दो चार लोग हैं जो विखंडन मतलब करते रहते थे, लेकिन धीरे धीरे सब अभी सब इग्नोर कर दिए, वहाँ की जनता ही इग्नोर कर दी धर्मनगर के जो नौजवान है। तो आपका बोलने मतलब धर्मनगर की तरक्की होगी तो वहाँ की जनता की ऑलरेडी तरक्की हो जाएगी, तरक्की होगी तो ऑटोमेटिक है, मतलब मार्केट बढ़ेगा तो काम सबको मिलेगा, कहीं सबको मिलेगा। एक्चुअली क्या है, नौजवान आज के जो चाहे बच्ची हो या बच्चियाँ हो, नौजवान जो माता पिता थे उन्होंने अपना तो कार्यकाल पूरा कर लिया, उनका काम है घूमे टहरे खाए पिए आराम करें, लेकिन आज के जन्म में करीब 10 साल में सबके माता पिता लगभग मेरे हिसाब से सब खुश हैं, क्योंकि बच्चे बाहर निकले मेहनत से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, नाम भी कमा रहे हैं और माता पिता का नाम भी रोशन कर रहे हैं। करेक्ट करेक्ट, चलो जय हिंद जय भारत, थैंक यू, वेलकम टू यू।